हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आओ। आज का जो हम लोग का वीडियो होगा, आपको थंबनेल से पता लग ही गया होंगे। तो इसकी हम रनर स्टिपर प्लेट जो है उसकी जो है सारा हम मैकेनिज्म लगाने वाले हैं। तो मैं ऑलरेडी थ्री प्लेट मोल्ड कैसे बनाते हैं, स्लाइडर मोल्ड कैसे बनाते हैं, मैं उसकी वीडियो बना कर रखा हूँ। ये जो बेसिकली मोल्ड है, डबल स्लाइडर मोल्ड है। तो इस वीडियो में हम स्लाइडर वगैरह बनाना नहीं सीखेंगे, कैसे इसकी जो स्टिपर रनर प्लेट होती है, जो थ्री प्लेट मोल्ड होती है, ऑटोमेटिकली जो इसकी फीडिंग होती है वो कैसे इजेक्ट होती है, वो हम उसके बारे में डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे उसके बारे में डिजाइन करेंगे। तो ये कंप्लीट मोल्ड होगा जिसमें आप देख पाओगे कैसे इसको बनाते हैं, कैसे करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इस वीडियो में कोशिश ये करूंगा इसकी लिमिट कैसे रहते हैं, कितना लिमिट रखना सही है, इसकी ऑटो इजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सारा जो है इसमें बनाऊंगा मैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा मोल्ड है ये पीएस का है, पॉलीस्टाइरीन का है, जिसमें हमने कूलिंग सिस्टम जो है अलग तरीके से लगा रखा हो, क्योंकि जो पीएस जो मेटल होती है उसमें बहुत अच्छा कूलिंग आती है, क्योंकि वो होता है आपके क्रिस्टल। तो इसमें थोड़ा सा अभी अगर आप कूलिंग में डिले हो जाए ना, या कूलिंग प्रॉपर नहीं हो, तो मेटल में बहुत डिफेक्ट पड़ती है और ये आराम से डिटोरेशन हो जाती है। तो कूलिंग जो है आपको देखना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जो सबसे पहला जो है मैं रनर वगैरह बना रखा हूँ, अगर रनर का आपको देखना है, इसकी कैलकुलेशन देखना है, तो मैं एक नीचे लिंक दे दूंगा, मेरा जो पहला वीडियो है वो आप लिंक पे जाके वो रनर कैलकुलेशन देख सकते हो। तो बेस्ट तरीका है, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो कैलकुलेशन से, तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये मेरा रनर है उसको यहाँ से निकालने के लिए अपने को कुछ चीज़ बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक्सट्रूड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं स्केच ले लूंगा। अब दोस्तों, मुझे इसकी सेंटर निकालनी है। सबसे पहले जो है मुझे इसकी सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए क्या है, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन लूंगा, मुझे ऑटोमेटिकली इसकी सेंटर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ बेसिकली इसकी सेंटर पे करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो गेटिंग जो होगा, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया पहली वाली वीडियो में, वो जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा उसका, तो मैं इसको सेंटर पे बनाना पड़ेगा, जिस जहां से आपकी जो है रनर जो नीचे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जितना है, देखो हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, मैं यहाँ पे एक तो बनाऊंगा आपका 15 का, तो डायमीटर जो मैं यहाँ पे लूंगा 15 का लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 15 का लूंगा। और 15 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक हम लोग बनाते ऐसे ही है, तो यहाँ पे 15 का लूंगा स्टैंडर्ड जो है। ठीक है, और इसमें जो मेरा अंदर आएगा, जो मेरा अंदर आएगा, इसको मैं लूंगा 8 का। ठीक है, अब जो ये 8 है इसमें भी काम आएगा, मैं दिखाता हूँ क्या सीन है। ठीक है, तो इसको मैं हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्केच को। जितना भी है मैं जो है इसमें चारों जगह नहीं लगाऊंगा, 3-4 जगह लगाऊंगा। ठीक है, अगर इसकी आपको पीडीएफ वगैरह सही है तो आप पीडीएफ मांग सकते हो, मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, तो इसको जो है मैं लगा दूंगा। उसके बाद जो है इसको हम पैटर्न ग्राफ कर देंगे। बेसिकली जहां पे ये लगता है वही लगाना है आपको, सभी जगह में नहीं लगाना है। तो इसका डायरेक्शन हम लीनियर कर देंगे और इसका जो डायरेक्शन होगा आपका ये होगा। ठीक है, अगर थ्री प्लेट मोल्ड का अगर आपको रनर सिस्टम बनाना है, गेटिंग बनाना है वाला, आप अलग से अगर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो डाल दूंगा, अगर आपको अलग से चाहिए तो। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का बन गया है। यहाँ पे अपने को यहाँ पे जो लाइन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ जो कर्व है, हमने ये वाले कर्व नहीं सिलेक्ट करा, तो इसको कर लेते हैं। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये जो आपका एक्सट्रूड होगा, ये जो एक्सट्रूड होगा, ये आपका ऊपर का प्लेट जो है, आपका ये प्लेट है, यहाँ तक आएगा ये। तो ये प्लेट का जो है आपको लेंथ है उसको निकालना है, कितने का आपने प्लेट लिए थे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे जो है हम 25 का मैंने प्लेट लिया था, तो मैं यहाँ पे 25 डालूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, मेरा जो लाइब्रेरी थोड़ा अलग से आ रहा है। अगर आपको ये भी करना है कैसे बनाते हैं लाइब्रेरी, अब जैसे कि आप अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो मेरा जीसी टूल किट वगैरह अलग से आती है, मेरा मॉडलिंग गियर वगैरह अलग से बनाता हूँ। जैसे मैं गियर बोल्ट वगैरह बनाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आपको चाहिए वो भी मैं बता दूंगा, नीचे कमेंट पे अपना बता देना, मैं आपको तरीका अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरा डायमेंशन होगी, ये होगी, सारा मुझे अलग से मिल जाती है। ठीक है ना, फाइल सिक्योरिटी के लिए अगर मुझे कोई फाइल बना रहा है उसके मुझे पासवर्ड लगाना है तो वो भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं किसी को डिलीवर करता हूँ तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी आपका मैं बता दूंगा कैसे करना है।
ठीक है, तो अभी हमने इसको बना दिया है। यहाँ पे इसको जो है मैं कोला लगाऊंगा इसके ऊपर। तो यहाँ से जो है हम सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो है हम लगाएंगे यहाँ पे, सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर की तरफ क्यों लगा रहा हूँ, ऐसे क्यों लगा रहा हूँ, बताऊंगा अभी आपको क्यों लगाना पड़ रहा है। इसको जो है मैं कोला लगाऊंगा नीचे की साइड रिवर्स डायरेक्शन में, और ये जो है इसको मैं ऑफसेट ले लूंगा टू साइडेड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे -3 का जो है टू साइडेड ऑफसेट ले लूंगा, ठीक है। आप एक बना के भी आप एरे लगा सकते हो, अगर आपको एक बनाना है तो आप एक बना के भी एरे लगा सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे है ना, जो मैंने यहाँ पे लगाया है, जो ये मेरा चीज है, तो इसको मैं +3 में इसको ऑफसेट लगा दूंगा। अब इसको जो है हम यूनिट कर देंगे, सारे चीज़ों को आपको यूनिट करना है, ठीक है। अगर आपको एक बनाना है तो एक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जो कहानी छुपा है अभी मैं बताऊंगा आपको काम क्या होता है। मेरे पास, मैं आपको 2-3 डिजाइन दिखाता हूँ जो मेरे पास है, मैं अलग अलग टाइप में बनाता हूँ। जो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें ये बहुत ही सिंपल टाइप है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपनी में भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी हम जो है इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं इसके जो कलर कोड है इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि दोनों अगर एक कलर हो जाएगा समझने में दिक्कत आ जाएगा आप लोग को। तो इसको मैं जो है हार्डली ग्रीन ले लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्रीन हो गई। अब जो ये प्लेट है, इस प्लेट में मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। डन। तो ये अपना हो गया। अभी जो नीचे वाली पार्ट है इसको अपने को नहीं चाहिए, बेसिकली अपने को इसको नहीं चाहिए, तो इसको अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हो, बाद में भी इसका काम ले सकते हो आप। अभी जो है फिलहाल के लिए मैं इसको हटा दूंगा, तभी क्योंकि हटा के करूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो अभी के लिए इसको भी हटा देता हूँ मैं, और ये जितना भी ये है आपका, इसको मैं फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको लेयर वगैरह करवाया हो पहले ही, तो लेयर आपको आना चाहिए थंब का, तभी आप काम कर पाओगे मैनुअल पे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक हो गया है। अब दोस्तों इसकी ऊपर जो है, मुझे ऊपर का प्लेट ले आना है, यहाँ पे इसको मैं ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बनवाया है ये आप देखोगे यहाँ पे है, तो इसको एक बार हम ले आते हैं सारे को, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है अपने को अभी। तो मैं यहाँ से इसको जो है ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। तो इसको अपने को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं एक ही बनाऊंगा इसको जो है। देखो एक बार आप इसको कितना ले जाना है आपको ये भी देखना है पहली बात। तो ये देखो अभी यहाँ पे आपका रनर है यहाँ पे, तो अपने को कुछ तो गैप चाहिए, हम बनाएंगे इसको। तो फिलहाल के मैं यहाँ पे जो है 18 mm का कर दे रहा हूँ, ठीक है। बताऊंगा इसका क्या सीन है, क्या केस है। तो फिर इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे, जो फैल्यू दूंगा मैं माइनस में दूंगा। लेट से मैं 25 का प्लेट लिया था, तो मैं इसको ऊपर वाली कंट्रोल शिफ्ट के दबाया, ऊपर वाली प्लेट ले आया, अभी यहाँ पे ऊपर तक उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम -35 अप्रोक्स मुझे होगा, ठीक है। 35 का मैंने प्लेट लिया ऊपर का, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। अब दोस्तों यहाँ जो हमने बनाया है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं होल से बनाता हूँ, बट यहाँ पे तो मैं होल यूज़ करूँगा तो आपको समझ में तो आएगा नहीं। एक दूसरी चीज़ में होल करके दिखाऊंगा, होल विजर्ड वगैरह यूज़ करके। तो इस केस में मुझे जो है आपको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। ये जो है 8 mm का मैं लिया हूँ, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन करके मैं इसके 3 का जो है ऑफसेट लगा देता हूँ, डन। और जो ये बनाया मैंने इसको, अभी जो है मैं इसको यूनिट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल जे करके, और इसको जो है मैं अलग से कोई कलर डाल देता हूँ, जैसे लेट्स से रेड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं इसको बना दिया हूँ, ठीक है। दोस्तों इसमें एक चीज और आपको मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा पोर्शन है, मैं इसका आपको सेक्शन काट के दिखाता हूँ। जैसे मैं इसका अगर आपको सेक्शन काट के दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो है आपकी गैप है ना, यहाँ पे गैप है। तो इसको तो मुझे यहाँ पे तो गैप है, इसको तो फंसाना पड़ेगा। यहाँ पे राउंड बोल सा भी होता है जो लेट में सीएनसी हो जाती है, बट हम यहाँ पे इसको अलग तरीके से करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो नीचे का पर्सन है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
और इसको हम जो है एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे टच ना हो, थोड़ा सा गैप रखे यहाँ पे, ठीक है। मैं उन्हें पास कर आऊँ और यहाँ पे जो है हम इसको माइनस में ले जाएंगे, माइनस, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो आपके रनर है तो ये चिपक रहेगा यहाँ पे, और ये जो है बोल्ट सा भी टाइप में होती है, बहुत लोग बोल्ट सा भी डिजाइन करके देते हैं, वो आपके ऊपर है जो आप चाहते हो, मैं तो सजेस्ट बोल ही करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। और ये जो चीज होगा, इन दोनों के बीच में गैप आ जाएंगे, मतलब बोलने का ये है, ये देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेक्शन काटूंगा तो यहाँ पे गैप रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रनर फंस जाएगा और ये बोल्ट सा होगा तो एक फोर्स प्लेट होगा, जब भी ये प्लेट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये फोर्स करेगा तो रनर को बाहर निकल देगा, ठीक है। तो ये हो गई तरीका उसकी। अब इसको जो है हम मिरर कर देंगे, ठीक है, इसको मैं जो है मिरर कर दूंगा चारों तरफ से। अब रनर को कौन सा क्या लगाएंगे जो रनर को बाहर निकाल देगा, है ना। अब मेरे समझने की कोशिश करना, अब तो मैंने बता दिया आपको कैसे होगा, अब हम क्या करेंगे जो रनर को बाहर निकाल देगा, उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। अब हम आते हैं उसमें, अभी आपको समझ गया ये काम कैसे होगा। अब अपने को ये देखना है इसको हम बाहर कैसे लाएंगे, ठीक है। और मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा जो है टाइम का इशू था, भी काम थोड़ा ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको बना देंगे, अब इसको जो है हम सब्सट्रैक्ट कर देते, तो इसका काम हो गया खत्म। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको चाहो तो ऐसे करके फीचर फीचर करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, फीचर करके तो ऑटोमेटिकली सारा चीजें जो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं आगे वीडियो बताया हूँ, जो मेरा वीडियो देखता है उसको पता होगा, ठीक है। तो ये होगी अपना ऊपर का, ठीक है। तो ये होगी, जैसे ये वाला प्लेट ऊपर जाएगा, जैसे ये दोनों प्लेट देखो, ये दोनों प्लेट ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये रनर को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। तो यहाँ पे भी बना देना आप, बेसिकली मैं सारे यहाँ पे दिखा दिया हुआ आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगी काम। अभी अपने को लिमिट देना है, मतलब ये प्लेट ऊपर से लेगा तो चले जाएगा, रिटर्न कैसे आएगा, कुछ तो होना चाहिए ना, तो रिटर्न कैसे आएगा प्लेट, और प्लेट को लिमिट क्या होगा, कैसे लिमिट दूंगा मैं, तो वो लिमिट भी आपको लगाना पड़ेगा। तो लिमिट देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं अलग से एक मैकेनिज्म लगाऊंगा। क्या मैकेनिज्म लगाऊंगा इसमें, मैं जो आपकी रनर प्लेट है, ठीक है ना, जो यहाँ पे ऊपर का प्लेट है, जो ये है जहां से मतलब आपके खत्म होता है, तो हम जो है केवीटी प्लेट में, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको पहले। तो यहाँ पे जो है मैं इसको जो है पहले ये कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा होल है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा होल है जिसको मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ, यहाँ पे बनाना है मुझे एक सर्किल बनाना है, जो होगा आपका लगभग ये थोड़ा बड़ा होगा, 20 के अप्रोक्सीमेट लेंगे, जो अपना इसको क्या बोलते हैं हम, जो आपका रिटर्न पिन है, तो अप्रोक्सीमेट उतना साइज का ही रखना है, क्योंकि इसमें बोल्टिंग होगा। अगर आप स्टीपर मोल्ड बनाते हो तो हम उस तरीके से भी करते हैं, तो इस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब समझ में आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको हम मिरर कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको स्केच को मैंने एग्जिट कर दिया, अभी मैं आपको विजार्ड वगैरह यूज करके भी बताऊंगा कैसे इसको करना है, ठीक है। और ये जो होगा आर पर होगा, ये आर पर करेंगे, पहले हम होल्ड करेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले हम होल्ड करेंगे, होल करने के लिए मैं इसको आर पर लगा रहा हूँ सबसे पहले, फिर हम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके काम होगा सबका अलग अलग होगा, वो बताऊंगा मैं क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्यों करना जरूरी है, क्यों है वो बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि जो मेरा शीश रहेगा इसका तो मुझे लिमिट भी देना पड़ेगा, तो इसलिए पहले आपको होल करना जरूरी है, ठीक है। तो सारे हम जो जो सार बनाए हमने इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले जो है ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, फिर सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है, फिर इसको भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको जो लाज वाला है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा ये नीचे से खुला हुआ है और यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैंने बना दिया है, देख रहे हो आप जो थ्रू है, इसको हम नीचे से बड़ा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो चीज बनाएगा बनेगा मेरा, ये मैं एक ऐसा लिमिट बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ऐसा लिमिट बनाऊंगा, उससे पहले मुझे आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा। चलो मैं पहले ही बना लेता हूँ,
अब मुझे यहाँ पे पिन बनवानी है, ठीक है। अब पिन कैसे बनवाना है आपको, जो पिन होगा यहाँ से आपका जीरो हो जाएगा, इसको माइनस की वैल्यू में प्लस की वैल्यू डालूंगा मैं 155, ठीक है। 155 नहीं लूंगा, 130 के अप्रोक्सीमेट लूंगा मैं, ठीक है। ये 130 लूंगा क्योंकि नीचे से यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप रखूंगा, ठीक है। 135 आई गेस ओके है, तो 135 का मैंने एक पिन ले लिया, यहाँ तक ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो पिन लिया है, यहाँ पिन के साथ अपने को एक चीज और करना है, क्या करना है, यहाँ पे मुझे कोलर लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोलर लगाऊंगा 10 का, या आप 8 का लगा लो, मैं 10 का लगा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ऑफसेट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, 3 का मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दे रहा हूँ उसको। उसके बाद जो है इसको जो है मैं क्या कर दूंगा, यूनिट कर दूंगा, ये और ये आपका हो गया यूनिट, डन। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है मैं वो करके रखा हूं, यहाँ पे फिर मैं जो है यहाँ क्या करूंगा, स्प्लिट बॉडी यूज करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट के दबाया, नीचे वाली प्लेट को ले आया, ठीक है, सॉरी नीचे वाली प्लेट को ले आया मैं, ठीक है, तीनों प्लेट को सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैं एक्सट्रूड ले लूंगा, ठीक है। एक्सट्रूड लेने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको क्लोज कर दूंगा, समझ नहीं आया कि दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। फिर इसका जो है मैं डायरेक्शन दे दूंगा ये वाली, और ये लेके मैं इसको कर दूंगा कट, डन। अब कंट्रोल जे डाला मैंने, इसको सिलेक्ट करा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज और है आप में, मैं अभी दिखाऊंगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोल जे किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, दोनों में मैं लेयर पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने लेयर डाला, लेकिन इसको मैं अभी जो है यहाँ पे जो मैंने कट किया हो, इसको मैं यहाँ पे लेयर नहीं डालूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, रिप्ले ऑफसेट कर दूंगा। क्यों क्यों करूंगा अभी समझो, अभी ध्यान से सुनना, हाँ अभी मैं ध्यान से सुनना इसको, मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये जो है मैं ऊपर तक ले गया, ठीक है ना, 20 mm ले गया, 20 mm है, ये 35 पर 40 mm का है, तो ये 20 mm का गैप रख गई। और ऊपर से देखो, अब जब भी ये लिमिट जाएगा, मतलब ये प्लेट जब भी ये ऊपर ले जाएगा, इसको जब भी ऊपर ले जाएगा, ये फंसेगा इतना, मतलब ये जो है फंस जाएगा, ये जाके फंसेगा यहाँ पे, तो इसकी आपको डिस्टेंस देखो, ये कितना मतलब कितना mm जो है ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो ये इसको देखो आप, यहां से लेके ये कितना mm तक जा सकते हैं ऊपर, आपको वो दिखना है, लगभग ये मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पे जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लगभग 104, मतलब ये डिस्टेंस होगी आपका 104 का, ठीक है। तो ये 100 mm तक इसकी जो है रनर जो है निकलने का जगह हो गया, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ये लेंथ है आपको ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ कितना है, तो उस लेंथ के हिसाब से इसका जितना होगा आपको इससे इसको थोड़ा ज्यादा रखना है, तभी तो वो निकल पाएगा, सिंपली बात है, सिंपल सा बात है, आपको निकलना है वो चीजें, तो ये आपको लिमिट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यूनिट कर देंगे, ये और ये हो गए आपकी यूनिट, क्लियर है। तो इसको मैं यूनिट कर दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने कर दिया, लेकिन इसको कौन पकड़ के रखेगा, इसके लिए तो कुछ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से एक जो है बोल्टिंग बनाएंगे। कहाँ बोल्टिंग बनाएंगे, इस प्लेट में बनाएंगे, उसके लिए मैं होल का यूज करूंगा। होल का यूज आप वैसे नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, उसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे स्केच ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मेरा होल आ गई। अब मैं जो है अभी एक करके करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है, समझदार तो सभी हो ही, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा जीरो, इसको जीरो कर दिया। अब ये सेंटर पे है और ये सेंटर में, दोनों के बीच में जीरो है, मतलब ठीक है। अब इसको मैं एग्जिट कर दिया हूं। अब होल जो है मैं थोड़ा अलग तरीके से लगाता हूँ, मैं दिखाता हूँ अभी आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है मैं इसको जो है 16 के जगह इसको मैं कर दूंगा 10 का, ठीक है, 10 का कर दिया मैंने। यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट करना है, हाँ जी इसको करना है मुझे, मिडिल में देखो, मिडिल में किसको करना है, और यहाँ पे कुछ करना है, इस होल को करना है, इसको नहीं करना है, इसको मैं मैन्युअली कराऊंगा। और लास्ट में जो है ये सिलेक्ट कर, शिफ्ट दबा के इसको डिसिलेक्ट कर दो आप, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये देखो ये ऊपर से आपका बोल्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे थ्रेड लग के वो बैठ जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे भी तो बोल्ट होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो आप फिर से उसमें लेके सिंपल होल लेके कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, है ना। तो ये अपने को क्या करना है, ये थोड़ा सा नीचे ले जाओ आपको 20 mm के आसपास, फिर इसको जो है आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दो, डन।
है। और यहाँ पे थोड़ा सा चैम्फर होती है, बताइए आपको 1 mm के अप्रॉक्स से मेरी चैम्फर लगती है और नीचे जो है आपकी चैम्फर होती है, ठीक है। ये मतलब मैनुअली बनाने में, ठीक है, तो ये मैनुअली बनाने में होती है काम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला इसको थोड़ा बड़ा साइज का ले लेना, ये जो पिन होती है, तो ये आपका एक लिमिट का काम हो जाएगा। अभी हम जो है इसको चारों तरफ से लगाना है, अब आई गेस समझ में आ गया आपको, है ना। तो ये हम लगा रही है, जो वैसे मैंने यहाँ पे होल करवाया ये चारों तरफ से आपका होल हो जाएगा, सेम चीजें करना है आपको। अब मेरा तो ये वाली प्लेट का हो गया, अब इस प्लेट का मुझे लिमिट लगाना है, ठीक है। अब इस प्लेट का मुझे लिमिट लगाना है, अब ये वाली प्लेट का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, सिंपल तरीके से एकदम बता दिया आपको मैं, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन वगैरह सही है तो मैं डाल दूंगा इसकी अलग से। अब मैं इसकी ले, इन दोनों प्लेट की कितना ओपनिंग होगा वो भी तो लिमिट लगाना है ना। वो कैसे लगाओगे, थ्री प्लेट मोड पे लगती है वो, अब वो बताता हूँ मैं इसको कैसे लगाना है आपको। तो दोस्तों अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो हम ये बनाएंगे ये कम्प्लीट थ्री प्लेट मोल्ड है, तो इसको जो है इसकी जो है आपको थोड़ा समझ नहीं आएंगे, ये थोड़ा अलग तरीके से बनाते हम, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसके भी, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग से स्प्रिंग वगैरह लगा के सारा कुछ चीज़ें लगा के बना रखा हूँ, ये बेसिकली है चीज़ें, तो इसको मैं हम अलग से लगा रखा हूँ। और इसमें मैं आपको ये वाली चीज़ जो है इसके बारे में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम इसको लगा के देखेंगे आज कैसे लगाते हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसकी अपने कितना ओपनिंग है, मतलब जो पार्ट है तो पार्ट का लाइन कितना है वो आपको देखना है पहले पार्ट का, ठीक है। तो ये देख रहे हो पार्ट थोड़ा सा है, तो इसकी हम लेंथ देखेंगे कितना लेंथ का है, ठीक है। तो हम यहाँ से मैं ऊपर से ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, अप्रोक्सीमेटली 60 mm का है, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो लेंथ हम ले रखे हैं, यहाँ पे स्लीव इजेक्शन है, तो इसके जो हम ले रखे हैं तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 67-68 का आ गया, ठीक है। सॉरी जो आपका आएंगे ये, ठीक है, 52 का आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है लेंथ जो है मैं कम करके रखा हूँ, इसको लेंथ बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम जो है ये ओपनिंग होगा तो ये इजेक्ट हो पाए आपको ये देखना है, ये लेंथ जो है आपको वो देखना है, ठीक है। तो हम इसकी देखते हैं, ठीक है। तो आपने को ये देखना है, अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ इसकी लेंथ जो है कम है इसका ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आपका मुझे यहाँ से मेजर करना है, बेसिकली ये तो ऊपर निकल ही जाएगा, अब ये जो इजेक्शन होगा मुझे इसका लेंथ देखना होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये तो इजेक्ट होगा ही, तो ये चीज का हम लेंथ देखेंगे। तो वैसा कुछ नहीं, अपने को जितना देखना है उसके हिसाब से सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले प्लेट को ओपन कर लेता हूँ, आई गेस सबको समझ में आ गया मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, फिर यहाँ पे जो हम बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, एक सेट बनाऊंगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे कूलिंग है वो आपका जो है खराब ना हो, वो मेंटेन रखना है, तो मैं यहीं पे एक ही साइड में बनाऊंगा जो लिमिट है। तो सबसे पहले मैं स्केच बना लूंगा, फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो है बना लिया है, तो ये इसकी जो लेंथ डिफाइन करना है, कितना ये मूवमेंट करेगा, ये जो प्लेट है जो पीस है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना मूवमेंट करना है। यहाँ पे हमने जो है 83 का रखा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 60 mm का है मेरा मैक्सिमम जो है, मैंने 83 तक रखा हूँ, तो इसका लिमिट आपको ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है। अब जो है इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा यहाँ से सिंपली, तो ये जो स्केच होगा आपका यहाँ से हो जाएगा एक्सट्रूड। तो यहाँ पे मैं बाउंडेड प्लेन यूज करूंगा, सॉरी ये यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग वाला ले लो ये आपका, तो इसको जो है हम लगभग 15 mm के ऊपर एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा ये बन गया है, और जो मेरा स्केच है अभी यहाँ पे स्केच का मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं लेयर पे डाल दूंगा, डन। अब दोस्तों इसमें ध्यान और एक चीज रखना है आपको, यहाँ पे आपकी जो होगा बोल्टिंग होंगे, तो यहाँ पे हम 2 बोल्टिंग लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बोल्ट लगाओगे, क्या लगाओगे वो डिपेंड करेगा आपको, तो मैं यहाँ पे जो है एक बोल्ट लगाऊंगा, ये तो आपको बोल्ट साइज के ऊपर, एम साइज का लगाओगे जो भी लगाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली बना के दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल के जो है मैं यहाँ पे 10 का लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ये सेंटर पे होना चाहिए इसकी सेंटर, और आपका यहाँ नहीं रखना है, दोनों का सेंटर आपका सेम आए जितना भी हो, ठीक है। ये हम जो है जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटर जीरो होगा,
फिर जो है हम यहाँ पे भी हम लगभग सेम का लगाएंगे। बेसिकली जो नीचे वाला पोर्शन होता है तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो मैं यहाँ पे सेम ही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको जो है मैं 12 लगभग 15 mm है, इसको मैं ले जाऊंगा 30 mm लगभग। यहाँ पे जो है 30 का मैंने लग दिया है रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, और इधर से जो होगा हम इसको 15 mm जो है, सॉरी 15 mm जो है हम बाहर निकाल लेंगे इसको। डन। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को स्केच लेना है। ठीक है, स्केच लेना है। स्केच लेके यहाँ जो है हम वैसे भी बना सकते हो, ऑफसेट करके भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे लगभग 30 का बना दे रहा हूँ और यहाँ पे भी जो है मैं 30 का लगा दे रहा हूँ। तो ये जो है थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, तो और ये थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन ये आपका बड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम 40 के अप्रोक्सीमेटली मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों को जो है मैं एक्सट्रूड करूंगा यहाँ, ये जो है एक्सट्रूड करूंगा मैं बाहर की साइड। ठीक है, तो यहाँ जो है हम इसको थोड़ा सा जो है कलर मैचिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला कलर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका कलर जो है थोड़ा सा हम डार्किश लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ जो होगा ये जो आपके पोर्शन होंगे इसको हम कर देंगे यूनिट सा। ठीक है, तो इसको जो है हम यूनिट कर देंगे, ये और ये। ठीक है, और दोस्तों इसमें ध्यान ही रखना है, ये यहाँ पे ज्यादा टच ना हो। ठीक है, ये यहाँ पे जो स्लाइडर है उसमें टच ना हो, ये भी ध्यान रखना है अपने को। और यहाँ पे आगे जो होती है चैम्फर होता है, बताइए आपको, मैंने ऑलरेडी बता रखा हो। ठीक है, तो ये चैम्फर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ले आएंगे और यहाँ पे हम जो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ हम जो है इसको कीप कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अपने को कीप टूल करना है। ठीक है, और यहाँ पे अपने को एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है 8 का लगाऊंगा और यहाँ पे भी मैं जो है थोड़ा सा बड़ा लगाऊंगा, ये मैं 10 का लगाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर देना है। ये हम करेंगे लगभग 8 mm की। ठीक है, तो मैं 8 mm का यहाँ पे कर दूंगा और फिर इसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया लिमिट का काम। ठीक है, तो आपको इधर बोथ साइड लगाना है, या यहाँ पे डोर लगा सकते हो आप, एक साइड भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है इसकी लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। तो इसका हो गया आपके 3 प्लेट मोल्ड की कैसे करते हैं, और जो मैंने बताया आपको इसका गेटिंग का आपको देखना है और रनर का कैसे बनाते हैं, वो लिंक जो है मेरे वीडियो में है, वहां पर जाके इसके पूरा कैलकुलेशन वगैरह आपको मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता है, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।